बीएड काउंसलिंग से जुड़े समस्त साथियों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। साथियों, आज इस वीडियो में आपके लिए कुछ दो तीन महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो देना बहुत ज़रूरी है। एक तो जैसा कि आपको कल ही सूचित हो गया है कि दो चार वर्षीय जो पाठ्यक्रम इंटीग्रेटेड उनके कॉलेज ऑप्शन चयन जो है उसकी डेट बढ़ा दी गई है। साथ ही दो वर्षीय पाठ्यक्रम वालों के लिए और चार वर्षीय पाठ्यक्रम वालों के लिए दो तीन इंपॉर्टेंट बातें जो आपको समझना यहाँ बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए इन संपूर्ण सूचनाओं के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। साथियों, हम आपको ले चलते हैं सबसे पहले आपकी सबसे बड़ी जो अपडेट है उसकी तरफ, जो आपको देखना बहुत ज़रूरी है। साथियों, इस अपडेट से तो आप सभी सूचित हो चुके होंगे, यदि कोई नहीं हो पाया है तो भी हमारे जो साथी वो अच्छी तरह से समझ लें कि चार वर्षीय जो पाठ्यक्रम है उसके लिए जो कॉलेज ऑप्शन चयन की जो डेट रखी थी, महाविद्यालयों के चयन की डेट जो 1 तारीख रखी थी, उस डेट में अब परिवर्तन कर दिया गया है और अब आपको कॉलेजों का चयन 6 जुलाई को करना होगा। कॉलेज चयन का जो शेड्यूल था आपका पहले 1 जुलाई को रखा गया था, अब इसे बढ़ा करके और 6 जुलाई कर दिया गया है। 5 जुलाई तक आपके काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन की डेट ही रखी गई है। आगे यदि हम बात करें तो साथियों, आपका जो पूर्ववत कार्यक्रम था उसके अकॉर्डिंग 5 तारीख तक आपकी ये फ़ीस जमा होनी है रजिस्ट्रेशन की। इसके बाद ऑनलाइन विकल्प भरना था आपको आज से, लेकिन आज से वह विकल्प ना भर के अब ये डेट आपकी 6 जुलाई कर दी गई है। साथियों, एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण है, जब आप 6 तारीख से कॉलेज के लिए चयन करें, महाविद्यालय चयन करें, तो बहुत ही सावधानी से करें। अधिकतर परीक्षार्थी इसी में गलती करते हैं और बाद में कमेंट्स आते हैं कि हमने ये गलती कर दी। इसमें सबसे बड़ी गलती यही है कि आप जो W वाले कॉलेज हैं उनको नहीं देना लेना है, वो उसका अर्थ होता है वीमेन कॉलेज। आपको केवल C अर्थात को एजुकेशन, कॉमन एजुकेशन वाले जो हैं, सामान्य शिक्षा वाले कॉलेजों को ही लेना है। इनमें 2 तरीके के राजस्थान में कॉलेज हैं, C और W। तो W को आपको यदि पुरुष अभ्यर्थी हैं तो भूल कर भी सेलेक्ट नहीं करना है, अन्यथा आपको अपना निकटतम कॉलेज नहीं मिल पाएगा। महिला अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना यही है कि महिला अभ्यर्थी पहले अपने W वाले जो कॉलेज हैं उनको प्रायोरिटी दें और अपने निकटतम जितने भी वीमेन कॉलेज हैं उनको अपनी प्रायोरिटी में रखें। और साथ ही साथियों, आपको बता दें, 2 वर्षीय पाठ्यक्रम वाले जो साथी हैं उनकी काउंसलिंग आज से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है और उनके महाविद्यालय चयन का विकल्प 5 जुलाई रखा गया। हो सकता है उनके महाविद्यालय चयन का विकल्प भी बढ़ा दिया जाए, संभावना यही है कि इनके भी महाविद्यालय चयन की डेट बढ़ाई जाएगी। इनके भी रजिस्ट्रेशन 1 से 10 जुलाई तक है, तो हो सकता है इनका 11 जुलाई से कॉलेज जो चूज करना है, महाविद्यालय विकल्प चयन करना है, वो डेट रख दी जाए। तो साथियों, आपको अपने काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन के पश्चात जब महाविद्यालय का चयन करें तो कॉलेज बहुत ही सावधानी से चूज करें। गृह जिला के अपने सबसे पहले सभी प्रायोरिटी में जितने भी कॉलेज आते हैं उनको रखें और इसके बाद में विमेन और को एजुकेशन कॉलेज का विशेष ध्यान रखना है। यदि आप बॉयज हैं तो आपको W अर्थात विमेन कैटेगरी कॉलेज सेलेक्ट नहीं करने हैं। तो ये कुछ बड़ी अपडेट थी साथियों, जिन्हें लेकर हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। यदि वीडियो पसंद आई हो तो साथियों वीडियो को लाइक ज़रूर देना। साथ ही हमारे चैनल पर यदि पहले बार विजिट कर रहे हैं तो इस प्रकार की तमाम अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही साथियों, जय हिंद जय भारत। सब्सक्राइब कीजिए ज्ञानधारा हर्षोली चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोज आपको सबसे पहले